गंगा के किनारे बसे धुलियान पहुंचने पर दूर से ही मंदिर का विशाल शिखर नजर आ रहा था। मंदिर पहुंचकर हम अवाक रह गए। इस मंदिर के बारे में जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा ही भव्य और विशाल था यह मंदिर। आज हम पहुंच चुके हैं धुलियान मंदिर के सामने। चलिए अंदर में हम लोग मंदिर के दर्शन करते हैं। ये मंदिर बहुत ही भव्य है। धुलियान में 100 वर्षों से भी पहले जैन मंदिर का निर्माण हो चुका था, परंतु दो दो बार जैन मंदिर प्राकृतिक प्रकोप के कारण नष्ट हो चुका था। साल 2006 में मुनि श्री प्रमाण सागर जी की प्रेरणा से इस नए मंदिर की आधारशिला रखी गई और साल 2013 में वेदी प्रतिष्ठा होकर यह भव्य मंदिर आज देश भर में अपने कलात्मक निर्माण, साज सज्जा और रख रखाव के कारण चर्चित हो चुका है। इस मंदिर में भगवान महावीर की प्रतिमा मूल नायक के रूप में विराजमान है और साथ ही साथ 20 तीर्थंकर की प्रतिमाएं भी विराजित हैं। जहां मंदिर की वेदी का काफी कलात्मक ढंग से निर्माण किया गया है, वही मंदिर के अंदर की साज सज्जा भी काफी आकर्षक है। जिस दिन हम धुलियान मंदिर पहुंचे उस दिन एक विधान भी हो रहा था। इस मंदिर के निकट ही सभी सुविधाओं से युक्त एक विशाल धर्मशाला भी है। धुलियान के मंदिर का निर्माण काफी मेहनत और सूझबूझ के साथ किया गया है। धुलियान के महिलाओं में भी कुछ न कुछ करने का जज्बा है। वो केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में भी अग्रसर हैं। मैंने आज धुलियान जैन मंदिर का दर्शन किया। मंदिर बहुत ही खूबसूरत और भव्य है। आप मंदिर का इतिहास बताइए। ये हमारा सौभाग्य आज हम जिस धरती पर बैठे हुए हैं, सन 1947 में जब भारत स्वाधीन हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान, उस वक्त सारे इंडिया भारत को हिंदुस्तान को छोड़कर ये मुर्शिदाबाद जिला 3 दिन तक असमंजस की स्थिति में था कि पाकिस्तान में जाएगा या हिंदुस्तान में रहेगा। 15, 16, 17 अगस्त सन 2047 3 दिन तक यह स्थिति रही मुर्शिदाबाद की। 18 अगस्त 1947 को मुर्शिदाबाद को हिंदुस्तान के राष्ट्रीय स्वाधीनता के अंदर लिया गया। तो अभी हम लोग जो हैं यहाँ पर करीब 54-55 घर हैं और यह संख्या जनसंख्या भी करीब 350-400 के बीच में ही है, लेकिन फिर भी हमारी प्रतिष्ठा समाज जो गैर समाज अन्य समाज है उनके साथ जो हमारा संबंध है वो उल्लेखनीय है। हम लोग हर काम में समाज के यहाँ गैर समाज जो भी काम होता है हम लोग हर तत्पर रहते हैं सेवा के लिए। हमारे समाज की तरफ से जाते वर्ष चल रहा है पानी का प्याऊ, शहर में 3-4 प्याऊ है चल रहा है वो, और बाकी हम लोग बच्चे लोग हैं, हमारे एक युवा संगठन है वो लोग सेवा मूलक कार्य करते हैं। ठंड के जाड़े के टाइम में जो भी बर्तन कपड़ा वगैरह स्कूल में बच्चे हैं उनको भी सब कुछ व्यवस्थित, कोशिश रहती है भाई सेवा करो, धर्म का जो जैन धर्म बोलता है उसको मानो।
मैंने धुलियान में देखा जैन समाज में काफ़ी संख्या में औरतें हैं, क्या आप लोग सिर्फ मंदिर तक ही सीमित रहते हैं या और भी कोई कार्य करते हैं? हम लोग धुलियान में जो भी महिला समाज है, जितनी भी यहाँ पे हैं, सभी में धार्मिक भावना प्रबल है। हमारे यहाँ मंदिर जी में धार्मिक पाठशाला का आयोजन होता है, जिसमें बच्चों की पाठशाला भी होती है, महिला वर्ग की भी पाठशाला है। हम लोग बाहर की तरफ भी जाते हैं, जैसे कई सोशल कार्य, जैसे कभी किसी को अवस्था नहीं है, हॉस्पिटल जाना, बच्चों की पुस्तकें देना, ये सब कार्य भी हमारे यहाँ बहुत सुचारू रूप से चलता है। और यहाँ पे युवा वर्ग, छोटा वर्ग, जो भी सभी धार्मिक कार्य में पूर्ण तरह संलग्न है। धुलियान का युवा वर्ग भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धर्म को काफी महत्व देते हैं और काफी उत्साह के साथ दिगंबर जैन धर्म की प्रभावना बढ़ा रहे हैं। मैंने धुलियान जैन समाज में आके देखा कि यहाँ काफ़ी संख्या में नवयुवक है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोग का इस जैन मंदिर में क्या योगदान है? हम लोग यहाँ पे युवा संगठन बहुत काफ़ी में है, इसमें हम लोग 21 लड़के अभी हैं। हम लोग का ग्रुप का नाम है शिखर ग्रुप। हम लोग सोशल काम, जैन समाज का कोई भी काम, हर काम करते हैं। उसके बाद 5 रुपये में हम लोग क्या गरीब को खाना भी खिलाना जो होता है, सिर्फ 5 रुपये लेके उन लोग को भोजन करवाना, ऐसा भी है। और आगे का जो हम लोग अभी नया, एक हम लोग ने जो नया सोचा है कि जो बुजुर्ग लोग अभी तक यात्रा नहीं की हूँ, उन लोग को यात्रा करवाना है अभी हम लोग को। मैंने आज मंदिर का दर्शन किए और देखे मंदिर में काफ़ी भव्य है और कलाकृति भी बहुत है, और मैं सुनी हूँ कि इस मंदिर बनाने में आपका काफ़ी हाथ है, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रमाण सागर जी आए थे, तब उन्होंने कहा था यहाँ एक मंदिर बनाओ। वो मंदिर जो पुराना मंदिर था वो बोलता कि अब तो इस बीच में, कॉलोनी के बीच में कमल खिलाओ, किचन में कमल खिलाओ। तो उसी समय प्रपोजल दिया गया था कि एक यहाँ मंदिर बने, तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर दी गई थी। तो मैंने उसको बाहर घूमता हूँ, देखता हूँ, एक एक जगह से एक एक चीज़ देख के, मतलब एक भव्य मंदिर बनाने का सोचा था। मुझे 6.5 साल लगा इस मंदिर को बनाने में। धुलियान शहर रेल मार्ग से बंगाल के साथ साथ बिहार, असम आदि से भी जुड़ा हुआ है और सड़क मार्ग से झारखंड की सीमा पर है। धुलियान मंदिर के दर्शन, रहने और भोजन की व्यवस्था के लिए यहाँ का समाज तत्पर है और उनसे इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।